उत्तर प्रदेश में 450 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, ताज नगरी में 100 से ज्यादा बीमार, नोएडा में 64 कोरोना मरीज, मेरठ में 45 के पार पहुंचा केस। वैसे तो देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले कोरोना के मरीजों की तादाद उत्तर प्रदेश में कम है, लेकिन वायरस का हमला कब, कहां और कैसे होगा ये कहना मुश्किल है। आगरा को ही देख लीजिए, मार्च महीने में ताज नगरी में 11 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे, अब ये आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। सिर्फ 2 सप्ताह में मरीजों की संख्या में तेजी खतरनाक संकेत है। आगरा में कोरोना के एक साथ 12 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया, इन सभी को क्वारंटीन कर उपचार किया जा रहा था। अब प्रशासन इनसे जुड़े लोगों की तलाश में जुट गया है, संपर्क में आए तमाम लोगों के भी टेस्ट कराए जाएंगे। 12 नए केस पॉजिटिव होने के बाद अब आगरा में कुल कोरोना मरीजों की तादाद 100 के पार पहुंच गई है। आगरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा जिला है वह सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित है, 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आगरा में पाए गए हैं। तो लगातार इन जो कोविड-19 हॉटस्पॉट है प्रदेश भर में, उनमें कड़ी चौकसी पुलिस की रखी जा रही है। आगरा में 29 हॉटस्पॉट इलाकों की पहचान की गई है, इन इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम जोर शोर से चल रहा है, 50 से ज्यादा ट्रैक्टर शहर में छिड़काव कर रहे हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से दिन रात लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में मरीजों की संख्या 60 से ज्यादा हो चुकी है, वहीं मेरठ में 50 के करीब लोग इस महामारी की चपेट में हैं। हर जिले में प्रशासन ने हॉटस्पॉट बनाकर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया है। आज हमारे जिले में 50 केस हो गए हैं, 50 में से 9 को हम डिस्चार्ज कर चुके हैं, एक की डेथ हो गई थी। इस समय 40 मरीज हमारे जनपद में एडमिट है। महामारी को मात देने के लिए यूपी में प्रशासन और सरकार दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब कोरोना की कमजोरी को समझते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो, क्योंकि सुरक्षित रहेंगे तभी दूसरे को भी सुरक्षित रख सकेंगे। लॉकडाउन चल रहा है। आगरा से अरविंद शर्मा और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ नीलांशु शुक्ला, लखनऊ आज तक।